तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई यूपी ट्रिपल सी वीडियो री एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप स्वस्थ होंगे। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल सी वीडियो री एग्जाम के बारे में, कि इसका पेपर कब तक हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो में बने रही, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो साथियों, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आपको बता दूं, कहीं ना कहीं जब यूपी ट्रिपल सी आयोग जैसे का पूरी तरीका से मन बना चुका है, आपका जो पेपर है लगभग अब बहुत ही जल्द होने वाला है। आप देखना कि लगभग जनवरी के माह तक इसका जो कोई भी जो ऑफिशियली आपको अपडेट देखने को मिल सकती है, जैसा कि मुझे पता चला है। आप जैसे कोई नोटिस वगैरह जारी हो सकता है, कैलेंडर वगैरह जारी हो सकता है, जिसमें डेट वगैरह जितनी भी होंगी यूपी ट्रिपल सी के पेपर उनकी डेट वगैरह लिखी होगी, जितनी अपकमिंग वैकेंसी आएंगी उनके बारे में डिटेल होगा। आप देख रहे हो काफी जो पुरानी भर्तियां हैं, यानी कि जितनी भी पुरानी भर्तियां हैं उनके जो यानी कि जो इंटरव्यू, जिसमें इंटरव्यू वगैरह है, तो इंटरव्यू वगैरह रिजल्ट वगैरह आ गया, तो इंटरव्यू की डेट वगैरह आ रही है। आप रिजल्ट भी देख रहे हो, अभी दो तीन रिजल्ट आ चुके हैं और काफी रिजल्ट आने वाले हैं। आपका जो पैट का रिजल्ट डिक्लेयर हो ही गया है, जो लेखपाल का रिजल्ट वो भी पता चल गया है, वो फरवरी के लास्ट तक दे देंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब आपकी भी जो वैकेंसी बचती है कि इस यानी कि यूपी ट्रिपल सी वीडियो इसका जो पेपर है, आपको बता दूं लगभग मार्च तक प्लान किया जा रहा है, जैसा कि मुझे बताया गया है कि इसका जो पेपर है यानी कि मार्च महीने तक हो सकता है। क्योंकि साथियों, आपको बता दूं, इसे काफी ज्यादा समय हो गया है, लगभग 2018 की वैकेंसी है, 2022 चल रहा है, 22 चल रहा है, अब तो 2023 में जाकर इसका पेपर होने वाला है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समय हो रहा है, तो इस वजह से आया हुआ बहुत जल्दी कर रहा है इसका पेपर कराने के लिए। ठीक है, अगर ये सारी चीजें थोड़ी लेट हो गई, क्योंकि भर्ती का पेपर तो हुआ था लगभग, ठीक है, फिर भी इसका जो फाइनल रिजल्ट धांधली के चक्कर में नहीं वो मिल पाया। ठीक है, मगर आपको बता दूं, आपका जो पेपर है बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आपको जो जनवरी महीना के अंदर कुछ ना कुछ नोटिस वगैरह जारी कर दिया जाएगा कि इसका पेपर मार्च महीने में 13 तारीख को होने वाला है। तो साथियों, अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि बहुत ही जो आपके पास सुनहरा मौका है, जो 1953 पद हैं, काफ़ी पद हैं इसमें। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा पद हैं, क्योंकि इतने पद कम नहीं है यूपी ट्रिपल सी वीडियो में। तो अपनी पढ़ाई करते रहो, कहीं ना कहीं ये मौका आप गवा दोगे तो फिर दोबारा चांस नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अब कोई भी भर्ती आएगी यूपी ट्रिपल सी वीडियो की, वो पैट के थ्रू आएगी, और अभी इस भर्ती को कंप्लीट होने के बाद फिर आपको कोई भी भर्ती देखने को नहीं मिलेगी काफी समय तक। क्योंकि इस भर्ती को होने के बाद इसकी प्रोसेस वगैरह चलेगी, तो उसके बाद काफी समय बाद आपको भर्ती देखने को मिलेगी, चाहे देख लेना। ठीक है, और कोई भी अगर भर्ती आएगी तो यूपी ट्रिपल सी पैट के द्वारा आएगी, तो उसमें क्या है, हाई परसेंटाइल वगैरह आ सकता है, शायद आपको मौका ही नहीं मिलेगी बैठने को। तो अपनी पढ़ाई करते रहो, क्योंकि बहुत ही जल्द पेपर होने वाला है, लगभग मार्च महीने तक इसका प्लान किया जा रहा है कि मार्च महीने तक हम यूपी ट्रिपल सी वीडियो का पेपर हो सकता है। क्योंकि फिर यूपी ट्रिपल सी का अभी तक कोई पेपर नहीं देखने को मिला है, क्योंकि वीडियो के अलावा, और एक बंदरगाह का पेपर है वो भी लगभग अप्रैल तक होने की उसकी पूरी संभावना है। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई करते रहो, ये मत सोचो कि मेरा पेपर अभी नहीं होगा, अगर ये सोच रहे होगे तो कहीं ना कहीं आप छूट जाओगे। आपको बता दूं, क्योंकि इसमें जो कंपटीशन का स्तर बहुत कम रहने वाला है, बहुत सारे हमारे साथियों का सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, कहीं ना कहीं होने वाला है। और आपको बता दूं, लगभग 2023 तक बहुत सारे साथी जो अपनी ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी उनकी, तो कहीं ना कहीं बता दूं 1953 पद है, जो कंपटीशन का स्तर कम देखने को मिलेगा। लगभग 14 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला, तो उसमें बहुत कम बच्चे बैठने वाले हैं, लगभग 4 से 5 लाख बच्चे ही पेपर में बैठने वाले हैं। ठीक है, तो आपके लिए सुनहरा मौका है, तो अपनी पढ़ाई करते रहो। अगर ये सोचो कि पेपर अभी नहीं होने वाला, 2023 में नहीं होने वाला है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा फूल कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपको बता दूं, कहीं ना कहीं आयोग पूरी से मन बना चुका है कि जो आपका पेपर है लगभग मार्च महीने में कराने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा समय हो चुका है और आयोग पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। और आपको बता दूं, हमारे बहुत सारे साथी होते हैं जिन्हें मैथ वगैरह से डर लगता है, तो इसमें मैथ वगैरह पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें आपकी जो यानी कि हिंदी होनी चाहिए, जीएस और रीजनिंग, तो आप कहीं ना कहीं अपना जो मतलब अच्छी तरीके से कर लो, क्योंकि मैथ वगैरह है नहीं। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई करते रहो, क्योंकि साथियों आपको बता दूं बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई करते रहो, जो आपका पेपर लगभग मार्च अप्रैल तक कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। और ये आपको देखना, जनवरी के माह के अंदर आपको कोई ना कोई जो नोटिस वगैरह जारी कर दिया जाएगा या कैलेंडर आएगा यूपी ट्रिपल सी का, उसमें इसकी डेट होगी। ठीक है, मार्च महीने तक पूरी संभावना है इसका पेपर होने की। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई करते रहो, ये मत सोचो कि मार्च में नहीं होने वाला है, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। और दो तीन महीने लगभग इसकी तैयारी के लगते हैं, जैसे अभी से आप स्टार्ट करोगे फिर भी इसको कंप्लीट कर सकते हो, इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो हम रखते हैं, वीडियो आपको पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, यूपी ट्रिपल सी कोई भी अपडेट होती है अपने चैनल पर सबसे पहले देते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम रखते हैं, धन्यवाद।